बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब अपने घर में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एंड स्टूडेंट्स, आई होप कि आप अपने घर में अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। सो फर्स्ट वी विल रिसाइट दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। टुडे आवर मॉरल लेसन इज़ वर्क हार्ड, यानी मेहनत करनी चाहिए। हर काम के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है। यू नो दैट हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, यानी जो हमारी मेहनत है वो हमारी कामयाबी की कुंजी है। मीन्स विदाउट वर्किंग हार्ड वी कैन नॉट गेट सक्सेस। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, वन लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, यानी इंसान के लिए वही है जो इसने कोशिश की। यानी अगर एक छोटी सी शहद की मक्खी को भी अगर शहद की ज़रूरत है, तो उसके लिए उस शहद की मक्खी को वर्क हार्ड की ज़रूरत है। विदाउट वर्किंग हार्ड वो कुछ हासिल नहीं कर सकेगी। उस छोटी सी क्रिएचर की तरह अगर हम भी लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो हमें भी हार्ड वर्क करना चाहिए। टुडे आवर टॉपिक इज़ ऑर्डिनल नंबर्स। जी स्टूडेंट्स, आप में से किसी को पता है कि ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? जी, हमारा काउंटडाउन पेज नंबर है 48 and 49। सो वी विल डिस्कस हेयर अबाउट द ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स शोज पोजीशन और ऑर्डर ऑफ थिंग्स, फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेकंड थर्ड। ऑर्डिनल नंबर्स हमें किसी भी चीज़ की पोजीशन या ऑर्डर के बारे में बताते हैं। जैसे आप क्लास में एग्ज़ाम्स देते हो, तो 30 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में, कोई एक बच्चा फर्स्ट आता है, कोई एक सेकंड आता है, कोई एक थर्ड आता है। यानी हम उनकी पोजीशंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो किसी भी चीज़ की पोजीशन के बारे में या ऑर्डर के बारे में जब हम बात करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डिनल नंबर्स। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपको चीज़ नज़र आ रही है, ये तो पोजीशन नहीं है, तो ये क्या है? दीज आर जस्ट नंबर्स। तो क्या ये ऑर्डिनल नंबर्स हैं? नो, ये तो जस्ट नंबर्स हैं, लाइक 1, 2, 3, 4। ये हमें किसी भी चीज़ की पोजीशन के बारे में नहीं बता रहे। ये तो जस्ट हमें नंबर्स नज़र आ रहे हैं, जिसे हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं नंबर्स को। इसी तरह ये नंबर्स जस्ट काउंटिंग नंबर्स हैं। जी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो है वो सिंपल नंबर्स कौन से हैं और ऑर्डिनल नंबर्स कौन से हैं? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? स्टूडेंट्स, हियर वी हैव अ वीडियो जिसमें आपको सिंपल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स के बारे में पता चलेगा। हियर वी हैव कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स। जी, आपको ऑर्डिनल नंबर्स का तो पता चल गया कि पोजिशंस को कहते हैं, तो ये कार्डिनल नंबर्स क्या हैं भाई? जी, सिंपल काउंटिंग को हम कहते हैं कार्डिनल नंबर्स। दो ये आपके टॉपिक में नहीं है, बट यू जस्ट नीड टू लर्न कि सिंपल नंबर्स जो हैं उनको कार्डिनल नंबर्स कहते हैं। कार्डिनल नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स, लाइक 1, 2, 3, 4, 5। यानी जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं कार्डिनल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स को हम क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर्स। एंड देयर आर 5 फुटबॉल्स हेयर। वहाँ पे हमारे पास कितने फुटबॉल्स है? 5। जी, यहाँ बॉल्स की रेस स्टार्ट हो गई है। हेयर वी हैव टू सी कि कौन फर्स्ट आएगा, कौन सेकंड। जी, रेड बॉल इज़ द फर्स्ट, ब्लू बॉल इज़ द सेकंड, ग्रीन इज द थर्ड, येलो वन इज द फोर्थ एंड ऑरेंज वन इज द फिफ्थ। यानी हमें अब पोजीशंस के बारे में पता चला कि जो रेस लगी थी उसकी क्या पोजीशन है, किस बॉल की क्या पोजीशन आई है। सो पोजीशन नंबर्स आर कॉल्ड ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स शो द पोजीशन और ऑर्डर ऑफ थिंग्स। हियर वी हैव टू कॉलम्स जिसमें कार्डिनल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स गिवन है। सिंपल नंबर्स आर द कार्डिनल नंबर्स एंड द पोजिशन नंबर्स आर द ऑर्डिनल नंबर्स। यानी 1, 2, 3, 4, 5 जो हैं वो हमारे पास कार्डिनल नंबर्स हैं, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जो हैं वो हमारे पास पोजिशन नंबर्स हैं। इनको हम कहेंगे ऑर्डिनल नंबर्स। आई एम रिपीटिंग अगेन दैट काउंटिंग नंबर और सिंपल नंबर्स आर कॉल्ड कार्डिनल नंबर्स एंड पोजिशन नंबर्स आर कॉल्ड द ऑर्डिनल नंबर्स। अंडरस्टूड? 1 को हम फर्स्ट कहेंगे,
टू को हम सेकेंड, थ्री को थर्ड, फोर को फोर्थ, मीन्स अगर मैं 1, 2, 3, 4, 5 कहूँगी तो ये ऑर्डिनल नंबर्स होंगे और फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्डिनल नंबर्स। जी यहाँ रेस स्टार्ट हो गई है एनिमल्स के दरमियान और देखते हैं कि कौन फर्स्ट आया है एंड कौन सेकेंड आया है। जी डंकी इज़ फर्स्ट, तो डंकी किस रेस में फर्स्ट पोजीशन आई है? FRST फर्स्ट, और फर्स्ट को हम 1ST फर्स्ट पे लिख सकते हैं। जी माउस इज सेकेंड, SECONG सेकेंड, एंड देर इज़ अनदर वे ऑफ राइटिंग सेकेंड, दैट इज 2ND सेकेंड। जी सो हु इज़ द थर्ड? कैमल इज़ द थर्ड। जी THIRD थर्ड, 3RD थर्ड। जी स्टूडेंट्स, देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स को राइट करने के टू वेज हैं, वन इज़ शॉर्ट फॉर्म और डिजिट फॉर्म, एंड सेकेंड वन इज़ ऑर्डिनल फॉर्म। अब हम देखेंगे शॉर्ट या डिजिट फॉर्म क्या होती है और हमारे पास ऑर्डिनल फॉर्म जो है वो कौन सी होती है। जी हेयर वी हैव अ कॉलम। ऑर्डिनल फॉर्म में हम कंप्लीट स्पेलिंग राइट करेंगे। कंप्लीट स्पेलिंग क्या होंगे? ऑर्डिनल फॉर्म और नंबर के साथ जो स्पेलिंग होंगे दैट इज़ शॉर्ट और डिजिट फॉर्म। जी कंप्लीट स्पेलिंग्स आर द ऑर्डिनल फॉर्म एंड नंबर विद स्पेलिंग आर कॉल्ड शॉर्ट और डिजिट फॉर्म। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन कि स्पेलिंग आर ऑर्डिनल फॉर्म, स्पेलिंग में जो हम लिखेंगे कंप्लीट स्पेलिंग में दैट इज ऑर्डिनल। स्टूडेंट्स हियर इज़ अ वर्कशीट फॉर यू फॉर योर होम टास्क। यहाँ पे एक कॉलम में आपको नंबर्स गिवन है, लाइक कार्डिनल नंबर्स आर गिवन जो सिंपल काउंटिंग नंबर्स हैं। सेकंड कॉलम में शॉर्ट फॉर्म या डिजिट फॉर्म आपने लिखनी है और थर्ड कॉलम में आपने उसकी ऑर्डिनल फॉर्म लिखनी है। सो होपफुली आप इसको बहुत अच्छे से करेंगे एंड मदर्स प्लीज़ चेक द वर्क ऑफ योर चाइल्ड एंड सेंड इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल।